Asalaamu As Alaikum, students. Today, our topic of discussion is chapter number one, The Savior of Mankind. We have discussed the five paragraphs in our previous lecture, and today we will discuss or translate paragraph number six and seven. Page number from your Punjab curriculum book is third, paragraph number six, The Revelation of here you find some uh, synonyms which you can memorize, and also some uh, important words that are important for uh, spellings. You may memorize that once. Now we will start our lecture. Paragraph number six. The revelation of the divine message. Revelation vahika silsala. Divine message, divine ilhami message param. इल्हामी पैगाम की वही का सिलसिला विच कंटिन्यूड जो जारी रहा फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स अगले तेईस वर्ष तक हैड बिगन बिगन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म शुरू हो चुका था और बिगन इरेगुलर वर्ब है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं इल्हामी वही का सिलसिला जो अगले तेईस वर्ष तक जारी रहा शुरू हो चुका था एंड रसूल अलैहि वसल्लम हैड अराइजन और हजूर अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया था टू तो प्रोक्लेम दावा करने के लिए ऐलान करने के लिए किस चीज़ का द वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह की यकताई बयान करने का तोहीद का एंड द यूनिटी ऑफ मैन और इंसानियत के इतहाद का और हजूर अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया अल्लाह ताली की वहदानियत का प्रचार करने और इंसानियत के इंसानियत को मुतहद करने के लिए हिज़ मिशन मिशन कहते हैं पर्पस को मेन मकसद मेन ऑब्जेक्टिव आपका मकसद था क्या टू डिस्ट्राए तबाह कर देना ख़त्म कर देना डिमोलिश कर देना किस चीज़ को द नेगजस नैगजस कहते हैं कंप्लेक्सिटीज़ uh, बंधन उलझन आपस में कोई मेल uh, जोल हिज मिशन मिशन वॉज टू डिस्ट्राई द नेग्जस ऑफ सुपरस्टिशन इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव आपका मकसद तो हम परस्ती जहालत और गलत अकायद के बंधन को ख़त्म करना था एंड सेटअप सेटअप कहते हैं कायम करना इस्टैब्लश और कायम करना था आपका मकसद क्या चीज़ अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ इंसान एक अच्छे इंसानी ज़िंदगी के तस्वर को कायम करना था आपका मकसद तो हम परस्ती जहालत और गलत अकायद को के बंधन को तोड़ना और ज़िंदगी का आला अली कायम करना था एंड लीड मैन काइंड टू लाइट ऑफ फेथ लीड कहते हैं गाइडेंस देना रहनुमाई करना और आपका मकसद रहनुमाई करना था मैन काइंड इंसानियत की टू द लाइट ऑफ फेथ इस्लाम की रोशनी की जानब एंड डिवाइन ब्लिस और इल्हामी खुशनुदी या इल्हामी नेमत की जानब इंसानियत की रहनुवाई करना था पैराग्राफ नंबर सेकंड सॉरी पैराग्राफ नंबर सेवन सिंस दिस बिलीव बिलीव कहते हैं फेथ ईमान अकीदा सिंस चौंके चौंके यह अकीदा वाज थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग कहते हैं ख़तरे का बाइस बनना अलार्मिंग चूँकि ये अकीदा बहुत ख़तरा पैदा कर रहा था किन के लिए दे आर उन पैगन अरबस के लिए उन मुशरक के लिए और उनकी डोमिनंस पर डोमींस कहते हैं बरतरी गलबा इन द दोसाइटी माशरे में चूंकि ये अकीदा उनकी माशरे में बरतरी के लिए ख़तरा था दैगन अरब स्टार्टड पैगन कहते हैं कुफार डिसबिलीवर अरब अरब के अरब के कुार ने स्टार्टड शुरू कर दिया टू तो माउंट प्रेशर माउंट कहते हैं ज़्यादा दबाव डालना इनक्रीज़ कर देना एग्जल्ट कर देना प्रेशर कहते हैं दबाव कुफार मक्का ने दबाव बढ़ा दिया ज़्यादा दबाव देना शुरू कर दिया आंधर रसूल सल्ला वसम हजूर अलैहि वसल्लम पर एंड हिज़ फॉलोअर्स और आपके पैरोकारों पर यानी आपके सहाबा पर चूँकि ये वाला अकीदा चूँकि ये अकीदा उनके माशरे में बरतरी के लिए ख़तरा था तो कुफार मक् ने हजूर सलील वसलम और आपके सहबा पर दबाव बढ़ा दिया दबाव डालना शुरू कर दिया दे वॉन्टिड डेम टू रिनाउस वो चाहते थे कि वो छोड़ दें तर्क कर दें दे आर कॉज अपनी इस वजह को एंड टेक टू आइडल वर्शिप आइडल कहते हैं बुत वर्शिप कहते हैं पूजा करना इबादत करना और बुत परस्ती की जानब वापस आ जाएं। वो चाहते थे कि वो अपनी इस वजह को छोड़ दें और बुत परस्ती की जानब वापस आ जाएं। ऑन वन ओकैन ओकैन कहते हैं इवेंट मौका एक मौके पर दे सेंट आ डेलीगेशन डेलीगेशन कहते हैं वफद को एक टीम को डेलीगेशन टीम एक जमात एक मौके पर उन्होंने एक जमात को एक वफ़द को भेजा टू द रसूल सल्हस काइंड एंड केयरिंग अंकल केयरिंग कहते हैं प्यारे अच्छे देखभाल करने वाले एक मौके पर उन्होंने हजूर अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक अंकल की चचा अबू तालिब की तरफ एक जमात को भेजा दे टोल्ड हिम उस जमात ने आपसे कहा टू रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन कहते हैं अबंडन रोकना है किसी बात के लिए दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल अलैहि वसल्लम उन्होंने आपसे कहा यानी आपके चचा से कहा कि वो रोकें बाज़ रखें हजूर अलैहि वसल्लम को फ्रॉम प्रीचिंग अलास माइ मैसेज अल्लाह ताला के अहकाम की तबलीग से प्लीचिंग तबलीग करना स्प्रेड करना फैलाना और फेस या फिर सामना करें देर एनमिटी एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को या फिर आपकी हमारी दुश्मनी को कबूल करें उन्होंने आपके चचा से कहा कि वो अल्लाह के वो रसूल वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर इनकी दुश्मनी को दुश्मनी का सामना करें फाइंडिंग हिम सेल्फ़ अपने आप को पाते हुए इन आ डेलिमा एक उलझन में एक कन्फ्यूजन में अपने आप को एक उलझन में पाकर ही सेंट नेफ्यू सेंट फॉर भेज देना नेफ्यू अपने भतीजे के लिए फिर उन्होंने अपने भतीजे के लिए किसी को भेज दिया यानी उन्होंने अपने भतीजे को बुलवा बुलवाया अपनी तरफ एंड एक्सप्लेन टू हिम और वजाहत की उसके सामने द सिचुएशन इस सरकमस्टांसिस की इस हालत की इस कंडीशन की और फिर उसे यानि हजूर सल्ला वसलम को इस हालत की वजाहत की द रसूल सल्हलम रिस्पोंडिड रिस्पोंड कहते हैं आंसर्ड रिप्लाइड हजूर सल्ह वसलम ने जवाब दिया विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स इन यादगार इन स्प्लेंडर इन शाद शानदार अल्फाज में माई डेयर अंकल मेरे प्यारे चचा इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड अगर ये मेरे दाएँ हाथ में सूरज रख दें एंड द मून और चांद इन माय लेफ्ट मेरे बाएं हाथ में इवन देन हती के तब भी आई शेल नॉट एबंडन एबंडन कहते हैं तर्क कर देना छोड़ देना आई शेल नॉट एबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह फिर भी मैं प्रोक्लेमेशन आप लोगों को पता है ऐलान करना तबलीग करना फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के दावे को तर्क नहीं करूँगा आई शेल सेट अप सेट अप कहते हैं कायम कर देना एस्टैब्लिश मैं कायम कर दूंगा द ट्रू फेथ सच्चे दीन को अपॉन द अर्थ इस ज़मीन पर और पैरिश पेरिश कहते हैं फना हो जाना इन द अटैम्प्ट अटम्प्ट कहते हैं टू ट्राई कोशिश करना मैं इस ज़मीन पर सच्चे इस्लाम को कायम कर दूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा ख़त्म हो जाऊंगा मेरे प्यारे चचा अगर ये सूरज मेरे दाएं हाथ में और चाँद मेरे बाएं हाथ में रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला की वाहदानियत की तब्लीग को नहीं छोडूंगा मैं इस ज़मीन पर सही या सच्चा दिन कायम करूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अल्लाह हाफिज़